हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पुनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चों के लिए प्रिपरेशन की क्लास बहुत लंबे समय से चल रही है और आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं एक शॉर्ट क्लास के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करवाने की। और आज की इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं जैव चिकित्सा तकनीक के बारे में, यानी बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में। मेरे साथियों, ये वह टॉपिक है जो मुख्य तौर पर पैरामेडिकल के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। और ये जितनी भी टेक्निक आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, हर एक टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है। एक जनरल नॉलेज के लिए भी ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो मेरे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोग्लोबिनोमीटर की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे से यही पूछा जाता है कि भाई हीमोग्लोबिनोमीटर है क्या और इसका यूज कहां आएगा। तो जब बात हीमोग्लोबिनोमीटर की आए तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन है क्या। तो मेरे दोस्तों, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाने वाला, जब भी हमारे से हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा जाए, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर पाया जाने वाला एक क्या है, रेस्पिरेटरी, याद रख लेना मेरे दोस्तों, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। क्यों कहते हैं हम इसे श्वसन वर्णक, क्योंकि मेरे दोस्तों इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रेस्पिरेशन के रूप में O2 को इनहेल करते हैं, और जब वो O2 लेते हैं तो उस O2 को ब्लड के अंदर पकड़ करके हमारी हर एक सेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी को दे रखी है, वो दे रखी है हमने हीमोग्लोबिन को। याद रखना मेरे साथियों, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर किसे कैरी करेगा, O2 को कैरी करेगा। अब मैं बात यह करना चाहता हूं, यह हीमोग्लोबिन पाया कहां जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है रेड ब्लड सेल में, यानी RBC में। अब मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का लेवल सामान्य से कम हो गया तो उसे एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है मेरे दोस्तों रक्ताअल्पता, यानी एनीमिया। कौन सी बीमारी की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, एनीमिया की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। तो अब नॉर्मली एक डॉक्टर जब भी किसी की CBC करता है, जब उसके ब्लड के सेल को काउंट करता है, तब वो हीमोग्लोबिन को भी काउंट करता है। यदि किसी व्यक्ति के हीमोग्लोबिन का लेवल पता लगाना है तो हम जिस उपकरण को काम में लेते हैं वो उपकरण है मेरे दोस्तों हीमोग्लोबिनोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ, हीमोग्लोबिन के लेवल का पता लगाने में अपन किसका उपयोग करते हैं, हीमोग्लोबिन के लेवल को पता लगाना हो तो हम करते हैं हीमोग्लोबिनोमीटर का। मेरे दोस्तों देखिए, हर एक उपकरण में ट्रेडिशनल और क्लासिकल दोनों ही तरह के आपको उपकरण देखने को मिलेंगे। यानी पुराने समय में हीमोग्लोबिनोमीटर अलग प्रकार के आते थे, आज के समय में अलग प्रकार के आ रहे हैं। तो जो पहले ट्रेडिशनल था, पहले जो परंपरागत था, वो था सहाली का हीमोग्लोबिनोमीटर। याद रखना, ये नाम आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि ट्रेडिशनल हीमोग्लोबिनोमीटर कौन सा था, प्राचीन समय में किस के द्वारा सुझाया गया हीमोग्लोबिनोमीटर हम यूज करते थे। तो नाम याद रखना, सहाली का हीमोग्लोबिनोमीटर। अब बात आती है कि आज के समय में आप कौन सा हीमोग्लोबिनोमीटर यूज में लेते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखना, आज के समय में हम फोटो हीमोग्लोबिनोमीटर यूज में लेते हैं। कौन सा, फोटो हीमोग्लोबिनोमीटर। अब मेरे दोस्तों, इसके बाद में अगली हमारी जो हेडिंग है वो है क्या, तो वो है मेरे दोस्तों हीमोसाइटोमीटर। अब हीमोसाइटोमीटर किसे कहेंगे, हीमोग्लोबिनोमीटर क्लियर हो गया, हीमोग्लोबिन का लेवल पता लगाने के लिए जिस उपकरण को काम में लोगे वो हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिनोमीटर से हमें पता चल जाएगा हीमोग्लोबिन लेवल सामान्य है, सामान्य से कम है कि सामान्य से ज्यादा है। सामान्य से कम है तो बीमारी कौन सी, एनीमिया। एनीमिया रोग है तो उसे कौन सी टेबलेट देंगे, आयरन एंड फोलिक एसिड की। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं अपन किसकी, हीमोसाइटोमीटर की। मेरे दोस्तों, हीमोसाइटोमीटर वो उपकरण है जो हमें यह बताता है कि हमारे ब्लड में TLC कितनी है। हम TLC का पता लगाते हैं यहां पर। और आपने
अगर आप कभी अपना ब्लड रिपोर्ट चेक करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर सीबीसी लिख के देता है, टीएलसी के बारे में पूछता है। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी मेरे दोस्तों कुल ल्यूकोसाइट, कुल श्वेताणु का पता लगाने के लिए, कुल डब्ल्यूबीसी का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं मेरे साथियों? हम उपयोग करते हैं हीमोसाइटोमीटर का। तो हीमोसाइटोमीटर से आप टीएलसी काउंट करेंगे, यानी आप कौन सी ब्लड सेल मेरे दोस्तों, श्वेत रुधिर कोशिका का आप क्या लगाएंगे, पता लगाएंगे कि डब्ल्यूबीसी का काउंट नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है कि ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर, यानी ल्यूकोसाइट हमारे शरीर के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स पैदा करती है, इम्यूनिटी जनरेट करती है। अगर हमारे से यह पूछा जाता है कि भाई एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति में ल्यूकोसाइट, एक व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी सामान्य से कम है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया। याद रख लेना मेरे दोस्तों, ल्यूकोपेनिया में डब्ल्यूबीसी का स्तर, डब्ल्यूबीसी का स्तर सामान्य से क्या होगा? कम। डब्ल्यूबीसी की कमी ही ल्यूकोपेनिया, और डब्ल्यूबीसी की अधिकता, डब्ल्यूबीसी की अधिकता को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? डब्ल्यूबीसी सामान्य से ज्यादा है तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। क्या? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। मेरे साथियों याद रखना, एक व्यक्ति के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट लाखों में चला जाए तो उसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। याद रखना, उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो याद रखना, यह भी मैं यहां पे बताना चाहता हूं, जब बात ल्यूकेमिया की आती है, जब बात किसकी आती है? ल्यूकेमिया की आती है, तब डब्ल्यूबीसी का काउंट चला जाता है लाखों में मेरे दोस्तों। और याद रखना, यहां पर एक बड़ी बात यह भी है कि यह डब्ल्यूबीसी में दो स्पेसिफिक डब्ल्यूबीसी है, जिसमें एक टी लिम्फोसाइट और दूसरी बी लिम्फोसाइट, यही हमारे बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स के लिए उत्तरदायी होती है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के डब्ल्यूबीसी का लेवल हम पता लगाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति के शरीर में कोई इंफेक्शन है कि नहीं है। व्यक्ति के शरीर में अगर कोई संक्रमण होगा, कोई रोगाणु आएगा, तो व्यक्ति का डब्ल्यूबीसी काउंट ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली एक नॉर्मल संक्रमण में डब्ल्यूबीसी इसलिए बढ़ती है क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए अपनी संख्या को बढ़ाती है। मेरे दोस्तों यहां पर हम जिस उपकरण को उपयोग में लेते हैं वो उपकरण है हीमोसाइटोमीटर। अब अपन बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं ऑटो एनालाइजर की। तो यहां पे ऑटो एनालाइजर क्या है मेरे दोस्तों, यह भी अपन बात करते हैं। आज के समय में आपने देखा होगा, अगर आप ब्लड चेक करवाने के लिए जाते हैं किसी लैब के अंदर, तो वहां आपको एक मशीन देखने को मिलती है और उसके द्वारा आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद में एक पर्ची के ऊपर रीडिंग देता है वो, उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल, सभी प्रकार की जांच वो अकेली मशीन करती है। इसलिए ऐसा डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया टेक्निक जो सभी प्रकार की जांच को एक ही प्रकार से कर ले, एक ही कंप्यूटर मशीन के द्वारा कर ले, उसको अपन बोलते हैं ऑटो एनालाइजर, जिसमें आपने कोई प्रोसेस नहीं किया, आपने कोई केमिकल एड नहीं किया, ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। आज के समय में क्या है कि एक ऑटो एनालाइजर मशीन आई है जो कंप्यूटर तकनीक से, डिजिटल टेक्निक से क्या जांच लेती है, बड़े आराम से ब्लड में से शुगर लेवल, प्लाज्मा लेवल, और इसके अलावा हीमोग्लोबिन लेवल, आरबीसी, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी के काउंट को बड़े शीघ्रता से बता देती है। तो यह तो बात हो गई कि ये आपकी सीबीसी, ये आपकी टीएलसी, ये आपका हीमोग्लोबिन, ये आपका ब्लड शुगर लेवल, सभी प्रकार की जांच अगर एक डिजिटल कंप्यूटर से अटैच टेक्निक के द्वारा करें तो उसे अपन बोलते हैं ऑटो एनालाइजर। अब सुनिएगा, अब बात आती है इको कार्डियोग्राफी की। मेरे दोस्तों इको शब्द जहां पर भी आए आप यह समझ लेना कि यहां कहीं ना कहीं अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो काम में आती है, यूवी वेव यहां पे काम में आती है। तो कहीं पर भी अल्ट्रासाउंड रेज या अल्ट्रासाउंड वेव काम में आए तो वहां पे इको शब्द आएगा। इसके बाद में बात यह कर रहा है किसकी? कार्डियोग्राफी की। देखिएगा मेरे दोस्तों, आपने कार्डियोलॉजी पढ़ा होगा, आपने कार्डियक सिस्टम पढ़ा होगा, आपने कार्डियक साइकिल पढ़ा होगा, जहां पर भी
कार्डियक नाम देखने को मिले। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, हृदय से संबंधित। मेरे दोस्तों याद रखना, जब मैं बात हृदय की करूंगा, आपने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को सुना होगा, तो हृदय रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उनके नाम के साथ क्या जुड़ा होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। तो यहां पर इसने बात किसकी की है, इकोकार्डियोग्राफी की। इसका मतलब मेरे दोस्तों इकोकार्डियोग्राफी में कार्डियो शब्द आ गया, तो कार्डियो का मतलब क्या हो गया, हार्ट, और इको का मतलब क्या हो गया, यूवी रेस। तो आपने जब यूवी वेव के द्वारा हार्ट को एनालाइज किया, हार्ट को डायग्नोस किया, तो उसे बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। अब अपन बात करते हैं ईसीजी की, कि भाई ईसीजी टेक्निक क्या है। एक होती है ईसीजी और दूसरी होती है ईईजी। देखिए पहले दोनों की फुल फॉर्म देख लो। ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये भी ईसीजी की फुल फॉर्म है, और ईईजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम। याद रखना, इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम ईईजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। ईसीजी किसके लिए की जाती है मेरे दोस्तों, ईसीजी की जाती है हार्ट के लिए। याद रखना, हार्ट के जो चेंबर है उन चेंबर के द्वारा काम करने का तरीका ठीक है कि नहीं है, हार्ट के एट्रियल एंड वेंट्रिकल जो अपने कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकंड में पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस बात का पता लगाने के लिए हम करते हैं ईसीजी। मेरे दोस्तों ईसीजी जब आप करते हो तो एक स्लिप निकलती है, और उस स्लिप के अंदर आपने कुछ वेव देखी होगी। वो जो वेव है, वो जो तरंगे हैं, वो टोटल चार प्रकार की होती है, पी क्यू आर एस। ये चारों वेव हमारे हार्ट के एट्रियल वेंट्रिकल के जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन को शो करती है, कि आपके कितने समय तक एट्रियम एंड वेंट्रिकल रिलैक्स रहे, कितने समय तक जो है वो सिस्टोल हुए, कितने समय तक डायस्टोल हुए, इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। कुल मिला के सीधे शब्दों में कहना मतलब ये कि हमारे हृदय के कक्ष के एक प्रकार से कार्य दक्षता को प्रदर्शित करते हैं, और किसी व्यक्ति का हार्ट जब कार्य करना बंद कर देता है तो ये जितनी भी वेव है एक सरल रेखीय पथ पर हो जाती है। अब मेरे दोस्तों हम बात करते हैं ईईजी की। ईईजी किसके लिए की जाती है मेरे दोस्तों, ब्रेन के लिए की जाती है। आपका ब्रेन सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपना मस्तिष्क ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ईईजी करते हैं, ब्रेन की ईईजी। लेकिन मेरे दोस्तों किसकी ईसीजी, ईसीजी किसकी की जाती है मेरे दोस्तों, हार्ट की जाती है। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस तकनीक का नाम है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आपने प्रिंट प्राप्त किया है। अब मेरे दोस्तों एक यहां पे टेक्निक और है, और वो है मैग्नेटोएनसेफेलोग्राफी। मैग्नेटोएनसेफेलोग्राफी में हम ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कोड की भी स्टडी करते हैं। अगर ब्रेन के साथ आप स्पाइनल कोड की स्टडी कर रहे हो तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटोएनसेफेलोग्राफी। याद रखना मेरे दोस्तों, ये कुछ टर्म है जिनके बारे में आपको जानकारी याद रखनी है। दो जानकारी और देना चाहता हूं, इसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा मेरे दोस्तों। इस प्रकार के शॉर्ट वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मेरे साथियों, एक तो मैं बात कर रहा हूं विडाल परीक्षण की, एक है विडाल टेस्ट और दूसरा है एलिजा टेस्ट। याद रखना मेरे दोस्तों, जरूर पूछा जाएगा विडाल परीक्षण किस डिजीज के लिए किया जाता है। याद रखना, एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, यह भी पूछा जाता है मेरे दोस्तों। एक डिजीज है जिसका नाम है टाइफाइड। टाइफाइड को इंटेस्टाइनल फीवर बोलते हैं, आंत्रीय ज्वर कहते हैं। और मेरे दोस्तों जब बात आती है आंत्रीय ज्वर की, तो यहां पर हम एक बीमारी, हाँ यहां पर एक रोगजनक की बात करते हैं, साल्मोनेला टाइपी की। मेरे दोस्तों याद रखना, जब आप उस बैक्टीरिया का इंटेस्टाइन में पता लगाने के लिए जब जांच करते हैं, तो वो जांच आपकी विडाल परीक्षण कहलाती है। और ये किसके बारे में जानकारी देती है, टाइफाइड के बारे में या आंत्रीय ज्वर के बारे में। इसके बाद में एलिजा टेस्ट क्या है मेरे दोस्तों, किसी व्यक्ति को एड्स है कि नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। इसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे कहा जाता है मेरे दोस्तों। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। इसके द्वारा अपन ब्लड के अंदर के कुछ एंजाइमों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड ये पता लगाते हैं कि वास्तव में उसके ब्लड में
वो वायरस है कि नहीं है जो एड्स कोच करता है, मतलब एचआईवी वायरस की उपस्थिति दर्ज करवाता है कहीं ना कहीं ये टेस्ट। तो यहां पे एड्स के डायग्नोस में यानी एड्स के निदान में ये टेस्ट किया जाता है मेरे दोस्तों। तो ये जानकारी थी किसके बारे में, ये जानकारी थी जैव चिकित्सकीय तकनीक के बारे में, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में। मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।